स्कैमर्स ने तो आरबीआई को भी नहीं छोड़ा। किसी व्यक्ति को कितने रुपए से चूना लगाया, किसी व्यक्ति को कितने रुपए से चूना लगाया, किसी व्यक्ति की बताया कि आपकी 25 लाख की लॉटरी खुली है, इतना पैसा आपके अकाउंट में आएगा, उसको लेने के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, ये एक आरबीआई का चार्ज है। किसी व्यक्ति को ये बताया कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, आप अगर उसको एक्टिव कराना चाहते हैं तो आप ये प्रोसेस कीजिए, उनसे पर्सनल डिटेल ली, उनका बैंक अकाउंट खाली कर दिया। किसी व्यक्ति से डेबिट कार्ड की डिटेल ली, उनका अकाउंट खाली कर दिया गया। बहुत सारे स्कैम इस तरीके के चल रहे हैं, और जो व्यक्ति कॉल्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं उनको फिशिंग मैसेजेस भेज भेज करके इस प्रकार का काम स्कैमर्स ने किया है। इसकी जानकारी जब हाल ही में आरबीआई को ही, तो आरबीआई ने अभी आज की डेट में ये अपडेट दिया है, आरबीआई ने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है, भाई आपको अगर हमारे नाम से कोई कॉल आ रही है आप किसी कॉल को मत उठाओ वरना आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। ये बातें आरबीआई ने क्लियरली स्पष्ट रूप से बता दी है, और आरबीआई ने यह भी कहा है कि ये जो डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन जो एपीके के जरिए अपनी एप्लीकेशन बना करके लोन देने की आपको बात कर रहे हैं, तो आपको इन लोगों से भी बच के रहना है। आपके अकाउंट से पैसा ये लोग भी निकाल सकते हैं और आपको कई तरीके के स्कैम्स में ये लोग फंसा सकते हैं। तो देखो, अगर आपके पास में भी कोई ऐसा मैसेज आता है, कोई ऐसी ईमेल आती है जिसमें ये कहा जा रहा हो कि भैया आरबीआई का ये स्कीम आई है या आरबीआई का ये ऑफर आया है, उस पर आपको क्लिक करना है, आरबीआई की जैसी वेबसाइट आपको दिखती है उस पर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, कोई डिटेल आपको वहां पर नहीं डालनी है। कोई मैसेज आता है उस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, कोई कॉल आता है उसको तो आप बिल्कुल रिसीव मत करो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हाल ही के कुछ दिनों में हमने भी देखा है आरबीआई के नाम पर बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा लोग कर रहे हैं और उनके खिलाफ काफी ज्यादा साइबर क्राइम में कंप्लेंट्स भी जा रही हैं कि भाई इस प्रकार से चल रहा है, तो आरबीआई ने इस पर एक्शन लिया है। अब गवर्नमेंट एक और अपडेट देने वाली है जो कि बहुत अच्छी बात है, आगे से आपको ये नहीं होगा, मे बी शायद एक्टिव भी हो गया है, 1 सितंबर से अब आपको कोई एपीके एप्लीकेशन वगैरह मैसेज के द्वारा नहीं मिलेंगी, कोई ऐसे लिंक आपको नहीं दिए जाएंगे जिसमें कि पूरी तरह से क्लिक करने के लिए कहा गया हो, आपसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी गई हो। क्योंकि देखो एपीके के जरिए ना बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं। एपीके क्या होता है, ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होती है, थर्ड पार्टी आप गूगल में जाकर के किसी भी थर्ड पार्टी ब्राउजर से डाउनलोड कर लेते हैं, वो एपीके एप्लीकेशन होती है, और उनको डाउनलोड करने के बाद में काफी वायरसेस आपके फोन में आने की संभावना रहती है, वो आपके फोन से बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल ले सकती है, लाइक आपके गैलरी में जो फोटोज वगैरह है इस सब पे वो पूरी तरीके से सब चीजें कर सकती हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है, आपको किसी आरबीआई की कॉल पर ध्यान नहीं देना है, आपको किसी रिकवरी एजेंट के कहने पर कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, ये चीजें आपको समझनी है, क्योंकि आजकल स्कैमर्स की जो तादाद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपका इस पर क्या कहना है कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्या आपको भी किसी ने इस तरीके से लूटा है, अगर आपको भी लूटा है तो कॉमेंट में जरूर लिखें अपनी बात, और जिससे कि और व्यक्तियों को अवेयर होने में पूरी तरह से हेल्प मिले। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक करें। अगर आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आपके साथ में हुई है, तो देखिए हाल ही में हम लोगों ने अपनी एक पेड सर्विस की शुरुआत की है, आपको उस पेड सर्विस का यूज कैसे करना पड़ेगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करानी है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो, और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देनी है, और आपको बताना है आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए, हमारे द्वारा आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, उसका जो चार्जेस है वो आपको बता दिया जाएगा कितना आपको पे करना होगा, काफी मिनिमम चार्जेस पर हम आपको अच्छी खासी मदद प्रोवाइड कराते हैं। अगर हमें लगेगा केस ऐसा है जिसमें लीगल एडवाइजर की जरूरत है, तो हम आपके लिए टेलीफोनिकली लीगल एडवाइजर प्रोवाइड करा देंगे, थर्ड पार्टी लीगल एडवाइजर हमारे साथ में काफी काम करते हैं जुड़ करके, और अगर हमें लगेगा आपको सामान्य जानकारी चाहिए तो सामान्य जानकारी के चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे, और लीगल एडवाइजर जो है वो अपने चार्ज बताएगा, हमारे चार्ज जो है बहुत ज्यादा मिनिमम है, और लीगल एडवाइजर क्या चार्ज लेता है वो केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अवेयर रहें, सावधान रहें, वरना आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। थैंक यू सो मच।